राम 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 राम। सारी ज्ञान की पुस्तकें ऐसे बेकार पुराने सामान के साथ रख दी हैं। कौन कहेगा ये विद्वान पंडित का घर है? मैंने नहीं, शारदा ने रखे। जैसे अम्मा संकेत देती है और बोलना हमें पड़ता है, वैसे ही अम्मा निर्देश देती है और कार्य हमें करने पड़ते हैं। ले, फिर से दोनों शेरनियां शुरू हो गई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। ओ शारदा महोदया, ये भी कोई अच्छा ज्ञान नहीं है संतान के लिए। हाँ हाँ रामा, पहले तू ऊपर से ज्ञान की पुस्तकें उतार के दे, फिर हम अच्छा ज्ञान भी दे देंगे। मैं नीचे कैसे उतरूंगा? चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे हम यहाँ राजकीय पकवान खा रहे और तू वहाँ आपातकालीन स्थिति में फंस गया है। घबरा मत, ऊपर भी तेरा ही घर है, आराम से रह। परंतु शारदा, मैं नीचे कैसे उतरूंगा? अरे आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप ऊपर हमारे कारण नहीं, इन सीढ़ियों के कारण चढ़े हैं। पहले नीचे उतरिए, सीढ़ी की मरम्मत करिए, फिर इस पर चिल्लाना। अच्छा पुस्तक तो नीचे फेंक दीजिए। तेरा पुत्र भी प्रहलाद जैसा ही बनेगा। अम्मा। ए, ओ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, भक्त प्रहलाद स्वामी, वरुणमाला आप पूजा कीजिए, हमारे ध्यान में कुछ विघ्न हुआ है, हम उसका उपचार करते हैं। गुरुजी, आज अचानक आपको भक्त प्रहलाद कैसे याद आ गए? पंडित रामकृष्ण की संतान। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण की संतान अभी है नहीं, होगी। हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया है, हम पंडित रामकृष्ण की संतान को ठीक वैसे ही प्रशिक्षित करेंगे जैसे नारद जी ने भक्त प्रहलाद को किया था। और वो पैदा होते ही नारायण जी का भक्त हो गया था। गुरु जी, आप पंडित रामकृष्ण की संतान को प्रहलाद की भांति प्रभु नारायण का भक्त क्यों बनाना चाहते हैं? नारायण जी का भक्त नहीं, हम उसे सदगुरु तथाचार्य का भक्त बनाएंगे। हाँ? आपका भक्त? परंतु कैसे गुरु जी? प्रिय वरुणमाला जी, स्वामी हम आपसे अति प्रसन्न हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपको एक दायित्व सौंपा जाए तो क्या आप उस दायित्व का भली भांति निर्वाह करने में सक्षम होंगी? स्वामी, आपकी इच्छा ही हमारे लिए आज्ञा है और आज्ञा ही आदेश, आप आदेश दीजिए। तो ध्यान से सुनो, आज से आप प्रतिदिन पंडित रामकृष्ण की आवास पर जाकर उनकी होने वाली संतान को गर्भ में प्रवचन दोगी, कथा सुनाओगी। जी अवश्य स्वामी, परंतु कौन सी, हमें तो अनेक कथाएं कंठस्थ हैं। गुरु माता, आप ही बताइए, समस्त विजयनगर में किसकी ऐसी कथा है जो हमारे गुरुजी से बड़ी और महान है? सत्य वचन, आप जैसे युग पुरुष की जीवनी सुनकर पंडित रामकृष्ण की संतान तो धन्य हो जाएगी स्वामी, और ये कार्य हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। जाओ वरुणमाला और पंडित रामकृष्ण के आवास के कोने कोने को राजगुरु तथाचार्य में कर दो, जिसका परिणाम ये हो कि उस बालक के जन्म लेते ही हर कोई बोले, देखो देखो देखो, तथाचार्य का परम भक्त पैदा हुआ है। जी स्वामी। तभी तो पंडित रामकृष्ण विश्व का प्रथम व्यक्ति बनेगा जो अपने शत्रु को अपने ही घर में जन्म देगा। हे भगवान, कितनी दयनीय स्थिति हो गई है मेरी, मेरे ही घर में। ओ अम्मेश्वरी, अम्मा, शारदा, ओ
ओ गुंडप्पे कोई तो मेरी सहायता करो। ये क्या? तेरी सहायता। अरे ओ घंटीबाज, इस तकिए से मैं नीचे कैसे उतरूंगा? लामा, ये तेरे नीचे उतरने के लिए नहीं, वही तोने के लिए दिया है। तो क्या जब तक के लिए नीचे उतरने का कोई उपाय नहीं मिलता, वही तक क्या आदाते तोड़ा। सबको दुखी मत कर लामा। सबको दुखी मत कर, मैं नीचे आया ना तो तू सीधा ऊपर जाएगा। आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता तुझे। आज ये परवरिश देखा तो अपने संतान को हिंसा से बड़ी। छी 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 लामा। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। सुन गुंडप्पे, देख आज मित्रता निभाने का सही समय है। सुन एक काम कर, जा जाकर देख दोनों महिलाएं मेरी होने वाली संतान का भविष्य नष्ट तो नहीं कर रही ना, जा जाके देख। रामा दो नहीं तीन महिलाएं। तीन? तीसरी कौन आ गई? गुल माता। क्या शारदा, इतने सारे ग्रंथ? हाँ ग्रंथ ही हैं। वो रामा ने हमसे कहा कि ऐसे समय हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, इसलिए हमने सारे भगवानों को अपने पास ही बैठा लिया। अब भगवान से अच्छी संगत और क्या हो सकती है? उचित है, हमें भी यहाँ तुम्हें भगवान की कथा सुनाने के लिए ही भेजा गया है। अच्छा कौन से भगवान की? श्री सद्गुरु तथाचार्य जी की। क्या हुआ शारदा? लात मारी, संभवतः उसे अच्छा नहीं लगा। शारदा हमें तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये नटखट हमारे स्वामी का नाम सुनकर उत्तेजित हो रहा है। और हो भी क्यों ना, हमारे स्वामी अवतार पुरुष जो है। पुनः लात मारी, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? हमारा तात्पर्य है अपने मुख से अपने पति के गुण गान गाना, ये अच्छी बात है क्या? ये तो अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करने जैसा है, जो अच्छे संस्कार नहीं माने जाते। लो अभी तो बदकी लामा की तंता। तो शारदा हम तुम्हें क्या सुनाए? कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता हो, कुछ चटपटा। हमने सुना है महारानी तिरुमलम्बा और महारानी चिन्ना देवी के बीच मनमुटाव चल रहा है। नहीं नहीं, जहाँ तक हमें ज्ञात है सब कुछ ठीक है। कोई तो चटपटी बात होगी। शिव 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 शारदा, ऐसे समय में ऐसी बातें सुनोगी तो होने वाली संतान पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या है ना, बहुत समय से हमने ना तो किसी की चुगली की है और ना ही कोई अफवाह सुनी है। इसके कारण ना तो हमारा खाना पच रहा है और ना ही हमें नींद आ रही है। अब ये तो हमारे आने वाले संतान के लिए ठीक नहीं है ना। और आपके पास तो अपनी व्यथा और आचार्य की कथा के अलावा और कोई बात ही नहीं है सुनाने के लिए। है ना, हमें चुड़ैल की कथा आती है। चुड़ैल थी ताने? हमारे बालपन में हमारी दादी बा हमें सुनाया करती थी। लामा लामा तो खुद ही पता हो। फिर वो चुड़ैल दबी पांव घर में आ जाती है और अपने विषैले नुकीले नाखूनों से विषैले नागपाश छोड़ देता है दुष्ट मेघनाद। और इससे पहले कि भगवान राम कुछ कर पाते, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम की कहानी सुनाई तो अब मैं नटखट श्याम की कहानी सुनाऊंगी। नटखट श्याम सुंदर की कहानी? वो क्या है ना, बच्चे थोड़े शरारती थोड़े नटखट अच्छे लगते हैं, बाल गोपाल की तरह। बाल तो पलती नटखटता ने ये बताओ क्या क्या जीते जा। नहीं, नहीं। महाराज क्या हुआ, आप चौंक क्यों गए? हमने भयानक स्वप्न देखा।
क्या? महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, यदि आप ही महारानी तिरुमलम्बा के बारे में ऐसे भयंकर विचार रखेंगे तो विजयनगर की प्रजा उनके बारे में कैसे विचार रखेगी? महारानी चिन्ना देवी, हम महारानी तिरुमलम्बा को भयानक नहीं कह रहे हैं। हमने स्वप्न में जो देखा और वो जो कर रही थी वो अत्यंत डरावना था। महाराज, ऐसा क्या देखा आपने स्वप्न में? हमने उनके हाथ देखे, हाथ में कटोरा देखा और कटोरे में रक्त देखा। महाराज, रक्त? महाराज, हाँ रक्त देखा हमने अपनी। महाराज, रक्त रक्त था उसमें, रक्त नहीं था, रक्त के रंग का काढ़ा था। फिर वो जाकर वो काढ़ा शारदा देवी को पिला देती। क्या आप तो ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे हमारा स्वप्न सत्य हो गया हो। महाराज, हुआ तो नहीं है परंतु होने वाला है। क्या? छोटी रानी शारदा देवी के लिए काढ़ा ही बना रही है। क्या? संभवतः अब तक तो ले जा चुकी होंगी। महाराज, आप शांत हो जाइए, हम जाकर उन्हें रोकते हैं। सुनिए। जी महाराज। ध्यान रहे, शिशु पर कोई असर ना। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। एक बार तो नदी के किनारे गोपियां नहा रही थी और उन्होंने उनके वस्त्र चुरा लिए और फिर नदी किनारे वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। अम्मा, आपके नटखट काना की कहानी सुनकर ये भी नटखट हो गया है। पहले तो केवल लात मारा था, अब लात के साथ साथ घूसा भी मार रहा है। इसका तात्पर्य है कि तुम लोग केवल कहानी सुन रहे हो और ये कहानी सुनने के साथ साथ उसका आनंद भी ले रहा है। आगे बताती हूँ क्या हुआ। हाँ। इससे पहले कि सारी गोपियाँ अपनी व्यथा नंद बाबा या यशोदा मैया को सुनाती, कान्हा अपनी बांसुरी की धुन से सभी गोपियों को मोहित कर लेते थे। कान्हा की बांसुरी की धुन का ऐसा सम्मोहन था, सारी गोपियाँ दौड़ी चली आती थी उनके पास, वैसे ही जैसे महारानी चिन्ना देवी चली आ रही हैं। प्रणाम। प्रणाम। ये बतानपुरा किस लिए? शारदा, बच्चे के मनोरंजन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए और संगीत से उत्तम क्या हो सकता है। और आपके बच्चे की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हम आरंभ करेंगे। महारानी तिरुमलम्मा, आप यहाँ कैसे? हमें तो यहाँ आना ही था। सभी लोग बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में भी तो किसी को सोचना पड़ेगा। किसको? हमें और किसको? इसीलिए तो हम लेकर आए हैं पाल नक्षम, अवाम अक्षम, अवाम मुखम, अवाम दंतम, अवाम जीवम, अवाम कंठम, शक्तिवर्धक काढ़ा। इसे स्वयं हमने अपने हाथों से बनाया है। क्या 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 बोल रहे हैं? नानी तिरुमलम्बा अपना काला लेकर आई है। अरे नहीं 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 नहीं, ये अनर्थ होने से पहले मुझे मुझे नीचे उतारने की कोई व्यवस्था कर, मुझे नीचे उतार। लम्मा, ये ले तत्त, लुक जा। हाँ हाँ, तू नीचे पकड़ पकड़। हाँ, उतर उतर लम्मा उतर। नहीं 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 नहीं, अब देखो नपे, ये आतंकी महिला मंडल के सामने एक पुरुष की भांति जाकर खड़ा हो जा। मैं किसी भी प्रकार नीचे उतरने की व्यवस्था करता हूँ, तू जा जा जा। शारदा, इस काड़े को अपने पेट में ऐसे संभालो जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में
गंगा मैया को समाया है। लो इस काढ़े को पी लो। नहीं छोटी महारानी, शारदा ये काढ़ा नहीं पी सकती। क्यों? क्योंकि इन्हें सुबह से उल्टियां हो रही है। हाँ हाँ, आज सुबह से क्या, हमें तो कल रात से उल्टी आ रही है। कल रात से उल्टी हो रही है, फिर तो तुम्हें ये काढ़ा अवश्य पीना चाहिए। लो शारदा ये काढ़ा पियो। नहीं, क्या करूं कैसे करूं, ये अम्मा शारदा गुंडप्पे के बहलाने पे मैं यहाँ फंस गया ना। अरे अपने बच्चे के बारे में सोचो। उसी के बारे में तो सोच रहे हैं। इसको पीने से उल्टियाँ चली जाएंगी। लो पी लो। मेरी होने वाली संतान का सवाल है, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ राम 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 कृपा से हमारी मेहनत सफल हुई। असर हो रहा है। यही तो समस्या है कि असर हो रहा है। शारदा! शारदा क्या हुआ? महारानी चिंता देवी हमें बचा लीजिए। शारदा, अरे कुछ हो तो नहीं गया? चलिए क्या? शारदा, वो शारदा। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, शारदा सुरक्षित है। हम कल पुनः आते हैं कथा सुनाने के लिए। हाँ, हम भी कल आते हैं शारदा को देवी भागवत सुनाने। हाँ हम भी कल आएंगे। बाल सिरा अवम थुड्डी अवम हड्डी शक्तिवर्धक काढ़ा लेकर। हाँ अभी हम चलते। प्रणाम। सारी पुस्तकें हैं, केवल एक पुस्तक नहीं है। कौन सी पुस्तक रामा? मेरी उपलब्धियों की गुंडप्पे। मेरी संतान आज के युग में पैदा होने वाली है, जहाँ समय समय पर कदम कदम पर हर तरह के कारनामे होते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में रामायण के ज्ञान और गीता के सार के साथ मेरे पैतरों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है, और इसीलिए अब मुझे ही अपनी संतान को अपने पैतरों की कहानियां सुनाकर अभी से ही प्रशिक्षित करना होगा। कोई चुड़ैल थी ताने तो ना ला, तो कोई नटखट गोपाल की लीला, तो कोई बेतु लगा ला, और अब लामा ने भी अपने पैतरे तुनाने तुलु कर दिए, और माला ने तिलु मलंबा का काला। अब तो प्रभु लामी जानते कि खेती होगी लामा की आने वाली तंत्र, चलो तो भी होगा, वो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा।
भाई, मैं आ ही गया इस दुनिया में। वहाँ इंद्रलोक में क्या मजे से अप्सराओं के साथ समय बिता रहा था। अब इस दुनिया में अपने जीवन का सफर काटना पड़ेगा। क्या करें, अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही हैं। और अब वहाँ क्या खड़े हो, इधर आओ। हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। इधर उधर ये गोल गोल लड्डू की तरह क्या घूम रहे हो? मेरी आवाज की दिशा पकड़ो और निसंकोच आ जाओ। अरे, अब पालने को ही देख रहे हो, पास आओ। अरे आओ ना। मेरी मासूमियत देखकर चौंक गए ना? आपका चौंकना इस बात की पुष्टि है कि आपको मेरे प्रथम दर्शन सफलतापूर्वक हो गए। बोलो, हूँ ना मैं सुंदर? अभी भी आप नहीं समझे मैं कौन हूँ? मैं पंडित रामकृष्ण का सुपुत्र हूँ।